हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मोलैरिटी। तो दो टर्म्स हैं, इनमें एक आध बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सी हमसे पूछी गई है। एक है मोलैरिटी, एक है मोलेलिटी। तो इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे? मोलैरिटी, वैसे 10+2 क्लास में सॉल्यूशंस नाम की जो यूनिट है, अब तो फर्स्ट हो गई क्योंकि एक यूनिट काट दी साल से, उसमें ये डिटेल से आती हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यहाँ पर जस्ट एक आइडिया सामने इसका लेना है। मोलेरिटी को आप डिनोट करते हैं कैपिटल एम के द्वारा, मोलेलिटी को आप डिनोट करते हैं स्मॉल एम के द्वारा। अब ये है क्या चीज़? वैसे ये सॉल्यूशंस पर लागू ज़्यादा होती है और दूसरी जगह भी हो सकती है। तो मोलेरिटी आपको याद रखना है क्या चीज़ होती है। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, आसान से तरीके से समझते हैं तो मोलैरिटी क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने संख्या है ये। और मोलैलिटी भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां तक तो ये बात है कॉमन। अब ये जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये यहां किस में है? पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के, ये किस में है? ये है मास में ही। और किसका? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगली बात किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में? मास ऑफ सॉल्वेंट आपको केजी में लेना है, किलोग्राम में लेना है। अब देखिए होता क्या है, डायरेक्ट कई बार ये क्वेश्चन, पहली बात तो आप यहां से याद रख लें, ये जो लीटर वाला है, नंबर ऑफ मोल्स तो कॉमन है, लीटर वाला कौन है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी में आर, लीटर में आर, तो याद रखना है मोलैरिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम लीटर में हमने लेना है, मोलैलिटी की बात हो रही है तो सॉल्वेंट को हम कहाँ लेंगे? केजी के अंदर लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मान लिया मास का जिक्र हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे हम? गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये किसकी जगह पर आ गए आप? नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ गए। अब इसमें होता क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको मिलीलीटर में दे देते हैं, तो फिर जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में। और फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें भी सेम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स वही है, यानी कि गिवन मास जो कुछ हमें दे रखा हो अपॉन उसका मोलर मास, ये तो क्या होगा, ये है नंबर ऑफ मोल्स। अब सॉल्वेंट का जो मास है वो फिर ग्राम में दिया हुआ मिलता है कई बार, तो एम किस में? ग्राम में। इसको किलोग्राम के लिए फिर डिवाइड करें किससे? 1000 से। अब मैथमेटिक्स का आपको पता है, ये जो है पहला और चौथा, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में होते हैं, तो आप इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपके इस +1 लेवल में तो ज़्यादातर आप इतना ही ध्यान रखें, ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये किस में है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी में लेना है। अब एक टर्म और आती है मोल फ्रैक्शन, वो देखते हैं क्या होती है। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ मोल आपने बताने हैं। अब ये जिसका भी निकालना है, मान लिया हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, मान लिया सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं आपके पास एन ए। ए क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट है आपके पास बी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? एन बी। अब मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स के द्वारा। अब हमसे किसी के भी पूछ लिए, मान लिया हमसे कहता है आप मोल फ्रैक्शन निकालो सोल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे डिनोट करेंगे? एक्स ए।
किसके बराबर आते हैं, मोल फ्रैक्शन का तरीका क्या है, जिसके आपसे पूछे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। टोटल मीन्स सोल्यूट के और सॉल्वेंट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन ए अपॉन, टोटल कैसे निकालते हैं, एन ए प्लस एन बी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। अब मान लिया आपसे पूछ लिया मोल फ्रैक्शन आप बताइए सोलवेंट के, तो सोलवेंट क्या था बी, तो यह क्या आएगा एक्स बी। कैसे निकालें, इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन ए प्लस एन बी। इस तरह से मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको याद रहे, इन दोनों का अगर हम सम कर दें एक्स ए प्लस एक्स बी तो ये वन के बराबर होता है। मतलब एक्स ए सोल्यूट सोलवेंट जोड़कर आपने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। अब किस इसमें से किसी के भी हमें मोल फ्रैक्शन पता लग जाए ना तो हम दूसरे के निकाल सकते हैं। मान लिया एक्स ए निकालना है, इसको इधर ले जाओ वन माइनस एक्स बी, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे इम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इम्पिरिकल फॉर्मूला है ऐसा फॉर्मूला जिसमें एटम्स का आपको सिंपलेस्ट रेशियो दिया जाए। जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। कार्बन भी 6 है हाइड्रोजन भी 6 है। अब ये जो C6H6 है बेंजीन का फॉर्मूला, ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। मोलिकुलर क्या है, जो एक्चुअल रेशियो बताता है कि किसी भी कंपाउंड में एक्चुअली कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो मींस ये 6 से 6 आप काट दो CH, ये क्या होगा इसका, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो आपको बतानी है कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, अगर मोलिकुलर और एम्पिरिकल में कंपेरिजन करें तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप सोचेंगे ये n कहाँ से आ गया, तो n की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, n होता है मोलिकुलर फार्मूला मास, जो मोलिकुलर फार्मूला है उसका मास निकालो, और अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, जो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला है उसका मास निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मास निकालो, मोलिक्यूलर वाले को इम्पेरिकल से डिवाइड करो तो आपके पास n की वैल्यू आएगी। इस तरह से इसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल से यहाँ से पूछ लेते हैं, वैसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल हैं, आपको आने चाहिए, आप भी जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दे दिया, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें, मोलर मास 98.96 दे रखा है इसका, ग्राम किलोग्राम जो भी है इस पर फोकस नहीं कर रहे फिलहाल हम। हाइड्रोजन की आपको परसेंटेज दी 4.07%, कार्बन की है 24.27%, क्लोरीन है 71.65%। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको आइडिया सा लेना है, इनको लगभग पूरी संख्या मान के आइडिया से आपको करना पड़ेगा, वरना एक्चुअल में टाइम लगेगा वो तो लगना ही है, वो आप डिसाइड करेंगे आपके पास कितना टाइम है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो, पहले तो ये देखो इसमें परसेंटेज पूरी 100 बन रही है या नहीं, अगर नहीं है तो आप ऑक्सीजन को ले लेना जो बची हो। मान लिया आपका 94% बनी, 100% इनको जोड़ के देखा बनी ही नहीं, तो जो भी बच जाएगा वो क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर तो पूरी लग रही है हमें, क्योंकि ये 4 है, ये 71 है, तो 75 तो ये होगा, ये लगभग 25 है, तो यहाँ तो पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन ये तीन आपको एलिमेंट दिए, सबसे पहले इनको लिख लो, इनके सामने इनकी परसेंटेज लिखो कितनी दी हुई है, 4.07, 24.27, 71.6, इस तरह से लिखो। फिर इनके जो है हम मोल्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सीधा तरीका आपको लगाना है, जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करो उसकी एटॉमिक मास से। ये था 4.07 डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन का है 1.008, इसको सोल्व किया तो रेशियो क्या आया 4.04।
फिर कार्बन 24.27, इसको डिवाइड किया कार्बन के मास से यानी कि 12.01 से, रेशो आई 2.021। क्लोरीन का है 71.65, डिवाइड किया इसके मास से 35.45, रेशो आई 2.021। अब जब ये आपके पास रेशो आ जाती है, इसको फिर हमने सिंपल करना होता है। सिंपल कैसे करेंगे, जो इनमें सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो, वहाँ से लगभग अपना काम पूरा हो जाता है। अब ये है तो सिंपल रेशो अगर निकालनी है तो क्या करें, 4.04 2.021, तो कितना आएगा, 2 से 4 को आप काटेंगे 2 आएगा। ये स्मॉलेस्ट, ये खुद ही दोनों एक जैसे हैं, तो इसको इसी से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आने वाला है, 1, ये भी क्या आएगा, 1। अब रेशियो देखो, ये सिंपल ही है, कोई इशू नहीं इसमें। अगर ये 1.5 2.5 ऐसे आती तो हम 2 या 3 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे तो सिंपल ही आ गई। तो 2 है, कौन आया, हाइड्रोजन। कार्बन है कितना, 1। क्लोरीन कितना है, 1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अब कैसे लिखेंगे आप, कार्बन कितने हैं, पहले कार्बन आएगा हाइड्रोजन से, वो है 1, तो ये आया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पहले होते हैं, यानी कैटायन पहले लिखे जाते हैं, एनायन बाद में, ये आपको पता होगा पहले ही। जैसे सोडियम क्लोराइड है कॉमन साल्ट, तो इसका फॉर्मूला NaCl होता है, ClNa नहीं होता। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके बाद में लिखते हैं। तो कार्बन पहले आया कितना है, 1, एक ही है। फिर है हाइड्रोजन कितना है, 2 है अपने पास, ये देखो 2 आया, तो CH2। क्लोरीन कितना है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यही सबसे ज़्यादा, ये है 1। तो ये इसका आपके पास क्या आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। अब देखो n की संख्या हम यहां से निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला ये है इसका। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको निकालना है तो क्या आएगा, कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 2, ये है 35.5, यानी कि ये आएगा आपका 49 पॉइंट समथिंग। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया। मोलर मास दिया हुआ है 98.9, तो हम n को कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। n क्या आएगा बताइए, n क्या है, मोलर मास 98.9 और ये क्या है 49 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से n कितना आएगा, 2। अब ये फार्मूला याद करो जो लिखा था, मोलिकुलर फार्मूला इसका हमने निकालना है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, n क्या आया 2, तो इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सॉरी n क्या है 2, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ये, तो 2 इंटू CH2Cl। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या आ गया आप बताइए, आपके पास 2 से गुणा करो C2, ये कितना होगा हाइड्रोजन, 4 हो गए, ये क्या है Cl2, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से, बिल्कुल इजी है, कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, वहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आप निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी इम्पेरिकल फार्मूला के बारे में।